है और यहाँ आपने मीटिंग समीक्षा की है, क्या पाया और किस तरीके से की? देखिए, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे देश के मुखिया जी मोदी जी द्वारा जो कार्यक्रम अल्पसंख्यक समाज के लिए चलाए जा रहे हैं, उनके विकास के लिए चलाए जा रहे हैं, उनकी आज हम लोगों ने बैठकर यहां समीक्षा बैठक की, जिसमें हमारे माननीय विधायक गण, हमारे जिलाध्यक्ष जी और उच्च अधिकारी यहां हमारे साथ बैठे रहे जी। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ सरकार जो काम कर रही है जी, उस काम को आगे बढ़ाया जाए। न्याय सभी को मिले, तुष्टिकरण किसी का ना हो। अभी आपने देखा होगा कि मदरसा बोर्ड के पढ़ने वाले छात्र हमारे जो नौकरियों के लिए दर दर भटकते थे, ये पहली इतिहास में सरकार है जिसने ये इतना बड़ा कदम उठाया कि उनको भी सरकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में उसको मदरसा बोर्ड की मान्यता से पढ़े हुए बच्चों को उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये अपने आप में बड़ा काम है। ये इससे एक संदेश जा रहा है कि जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम करने का काम जो सरकार कर रही है वो लगातार हो रहा है। अनेक ऐसी हमारी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा, अब तक इससे पहले की जो सरकारें हैं उनके समय में बजट भी कम था और हमारी सरकार ने बजट को भी बढ़ाया है। क्या मानते 2022 में मुस्लिम का साथ मिलेगा भाजपा को? देखिए, ऐसा है कि काम बोलता है जी। आजकल कोई किसी का साथ नहीं है जो उनके विकास की बात करेगा, जो उनकी शिक्षा की बात करेगा, वो उनके साथ जाएंगे। ये काम बोलता है तो नारा अखिलेश का था, काम भैया सबका साथ सबका विकास का जो नारा है जी। तो काम आपको दिख रहा है अल्पसंख्यकों के समाज के लिए जो काम सरकार हमारी कर रही है वो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। आप चाहे आप देख लीजिए, मदरसों के तालीम के लिए हमारे यहाँ लगातार काम हो रहे हैं, बच्चियों के अनुदान, जो गरीब बच्चियों के अनुदान, शादी अनुदान के लिए किया जा रहा है और आपके अनेक हमारे टर्म लोन योजना है सरकार द्वारा चलाई जा रही है और न्याय सभी को मिलेगा, तुष्टिकरण किसी का नहीं होगा। प्रदेश में कितनी सीट आएंगी आपकी आने वाले चुनाव विधानसभा? देखिए, ये प्रदेश के लोग हैं, हमारे नेता हैं, वो बताएंगे। हमारा तो सीधा सा एक काम है कि जो मदरसों के अंदर जी जो उर्दू की तालीम और हमारे कुरान की तालीम दी जाती है, तो कुरान पढ़कर व्यक्ति एक अच्छा इंसान तो बन सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनना है तो उसको हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा और हमारी कोशिश है, हमारी सरकार का प्रयास है कि शिक्षा सभी व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जब व्यक्ति एक शिक्षित हो जाएगा, जो समाज हमारा पिछड़ा है, गरीब है, मजदूर है, जो शिक्षित होकर वो नौकरियों पे आएगा, IAS बनेगा, PCS बनेगा, तो ये हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, वह भी तरक्की करेगा। और जिस तरीके से अभी हमारी सरकार एक कानून और लाने वाली है, उस कानून का भी हम लोग को स्वागत करना चाहिए और उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जब जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाएगा तो इस परिवार का भी विकास होगा, इस देश का भी विकास होगा। मुस्लिम समाज उसका कर रहा है, समर्थन कर रहा है? मुस्लिम समाज, आपको मैं बता दूं, पहले से इस काम को कर रहा है। जो शिक्षित लोग हैं वो अपने यहाँ केवल 2 ही बच्चे पैदा करने का अपना काम कर रहे हैं। वो जनसंख्या कानून सबके लिए लाभदायक है, देश के लिए भी लाभदायक है।